देश में मुसलमानों के खिलाफ गौरक्षकों की हिंसा और मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और 6 राज्यों के पुलिस प्रमुखों को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने ये नोटिस एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया। याचिका में पिछले 6 महीने में सामने आए मामलों के लिए मुआवजों की मांग की गई है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने शुक्रवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिका में 2018 में तहसीन पूनावाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के उल्लंघन को लेकर चिंता जताई गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से सभी राज्यों को निर्देश के मुताबिक कार्रवाई करने का आदेश देने की मांग की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के साथ साथ 6 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा और महाराष्ट्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पीठ ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कहा कि हम नोटिस जारी करेंगे। महिला संगठन ने मॉब लिंचिंग में पुरुषों की हत्या के बाद बचे परिवार की महिलाओं का मुद्दा उठाया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि पिछली बार जब वो शीर्ष अदालत पहुंचे थे तो उन्हें ऊंची अदालतों में जाने के लिए कहा गया था। सिब्बल ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मुझे विभिन्न हाई कोर्ट, लेकिन पीड़ितों को क्या मिलेगा? 10 साल बाद 2 लाख का मुआवजा, मेरे पास क्या उपाय है? मैं कहाँ जाऊँगा? इसके बाद पीठ ने सुनवाई की मांग मंजूर करते हुए सिब्बल से कहा कि वो याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर रही है। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।